हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेटिमा अमेरिकाना का रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये एनिमल जो है दिस रेस्पायर वाया ट्रैकियल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। और ये जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स हैं और ईच ट्यूब्यूल्स एंटर अप टू द सेल्स इंटीरियर टू द बॉडी एंड सप्लाई ऑक्सीजन। तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ट्रेकियल सिस्टम है और किस तरह से ट्रेकियल सिस्टम ओपन होता है वाया स्पायरिकल्स, तो उन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इसमें मैं आप खास बात बता देता हूँ कि भी जो स्पायरिकल के थ्रू जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, जो रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ही है। CO2 का अब्जॉर्प्शन यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन जनरल जो इसकी जनरल सरफेस है जो कि क्यूटेनियस है, स्क्लेराइट से कवर्ड है, वो परमिएबल है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 गैसेस। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, कैसे होता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है जिसमें 10 स्पायरिकल्स पेयर में होती हैं। ये पेयर में है 10 स्पायरिकल्स, इनमें 2 पेयर जो है वो प्रोथ्रेसिक एंड मीजोथ्रेसिक, एक प्रोथ्रेसिक में तो दूसरा मीजोथ्रेसिक में पेयर है स्पायरिकल्स का। ये दोनों पेयर जो है प्रो और मीजोथ्रेसिक पेयर में जो स्पायरिकल हैं, ये लार्ज ओवल शेप्ड लार्ज साइज हैं जो हमेशा लगभग ओपन रहते हैं। और 8 पेयर जो एब्डोमिनल स्पायरिकल जो हैं, ये स्मॉल साइज हैं और टाइम टू टाइम इनको क्लोज कर लिया जाता है, या जब भी कोई मतलब इनके अंदर जो ब्रिस्टल हैं, हेयर्स जो हैं इसके माउथ पर स्पायरिकल के, वो सेंसिटिव टू है केमिकल्स। तो अगर कोई एडवर्स टाइप का कोई केमिकल्स जो है, फ्यूम्स जो है, इसको ये सेंस करता है तो अपने स्पायरिकल्स को ये बंद कर लेता है। इसके अलावा ये जो एब्डोमिनल स्पायरिकल्स हैं इनको क्लोज इसलिए करता है ताकि कम से कम जो वाटर इवेपोरेशन है बॉडी से वो कम से कम हो। Each spiracle is surrounded by ring-like scleroids on their mouth that is known as the peritrine. Peritrine ring-like scleroid है जो हर spiracles की mouth rim पर हमें ये दिखाई देगा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया cutaneous respiration जो है, इस respiration के through generally CO2 gas जो है उसका body से diffusion होता है through the environment। और ऑक्सीजन का मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो ट्रेकियल रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है कैसे है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। दिस वन ये ट्रेकी है और ट्रेकी का ये ओपनिंग दैट इज द माउथ स्पेरिकल है यहाँ पर, और ये पेरिट्रीम है और ये बॉडी वॉल है। और इसके जस्ट माउथ के इंटीरियर साइड में हम देखते हैं कुछ ब्रिस्टल्स हैं जो कि सेंसिटिव टू है स्पेसिफिक ऑर्डर और केमिकल्स सेंसिटिव हैं ये। और उसके बाद ये ओपनिंग जो है इट ओपन इनटू स्मॉल चैम्बर दैट इज नोन एज एट्रियम चैम्बर। और ये एट्रियम चैम्बर जो है और ट्रैकी के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है, ये वाल ओपन एंड क्लोज हो जाता है। इस स्पाइक इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसी के थ्रू होती है, वाल के थ्रू होती है। यहाँ पर क्लोजिंग मसल होती है जो बॉडी वाल के साथ अटैच्ड है इस वाल के, और जब यहाँ पे इसको बंद करना होता है ट्रेकियल सिस्टम को, तो ये वाल जो है क्लोज हो जाता है, इस ल्यूमन्स को क्लोज कर देगा, ओपनिंग को क्लोज कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रेकी है, ट्रेकियल सिस्टम में देखने के यहाँ पर काइटिनस स्पाइरल काइटिनस रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पाइरल फॉर्म में है काइटिनस काइटिनस लेयर जो हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थिकनेस है वो ज्यादा है, बढ़ी हुई है, और यहाँ पर काइटिन की लेयर जो है वो थिन है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है यहां तक हम देखें तो उसके बाद ये ब्रांच हो जाता है दिस वन दैट इज नोन एज टेनिडी. ये टेनिडी है, अगेन टेनिडी है, अलग अलग टेनिडी ब्रांच में डिवाइड हो रहा है और मल्टी ब्रांच हो रहा है. उसके बाद इस टेनिडी एट द टिप लिंक्ड बाई और कवर्ड बाई द ट्रैक्यूल सेल्स. ये ट्रैक्यूल सेल्स है और हम यू भी कह सकते हैं कि इन ट्रैक्यूल सेल्स टेनिडी अगेन बाइफर्केटेड इन मेनी चैनल्स दैट इज नोन एज ट्रैक्यूल्स. ये ट्रैक्यूल है, दीज आर ट्रैक्यूल्स एंड ईच ट्रैक्यूल्स गिव ब्रांच थिन ब्रांच एंड बाइफर्केटेड मल्टीफर्केटेड अप टू द लेवल ऑफ सेल्स. ये मसल सेल्स हमने दिखा रखी है, मसल सेल्स में हाईली ब्रांच हो जाता है और इवन इट पेनिट्रेट इनटू द मसल, मसल के अंदर तक ये पेनिट्रेट हो जाता है. लेकिन मसल्स का साइटोप्लाज्म और इसका ल्यूमन जो है वो टोटली सेपरेटेड है बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स एंड मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रैक्यूल सेल्स. ट्रैक्यूल सेल्स की मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड है लेकिन इट पेनिट्रेट इनसाइड द सेल्स. इसके अलावा हम इसका दूसरा इसके ये फॉर्म जो है इसको फॉर्म को हम दोबारा से अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है दिस वन ये बेसल लेमिना है, आउटर मोस्ट बेसल लेमिना और इसके चारों तरफ हीमोलिम्फ है, यानी यहाँ पर हीमोलिम्फ प्रेजेंट है. हीमोलिम्फ है यहाँ पर और हीमोलिम्फ उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स है. ये एपिथेलियल सेल है और उस एपिथेलियल सेल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेकियल ल्यूमन है और इस ट्रेकियल ल्यूमन्स को इनर साइड इनर वॉल जो है इट इज ये आपको बिडिड नजर आ रही है दैट इज द रिंग और रिंग ऑफ काइटिन और इसको बिडिड फॉर्म को या बल्ज आउट जो है इसको हम टेनिडियम कहते कहेंगे इसको हम, ये टेनिडियम है ठीक है. और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये भी क्यूटिकल है और ये हाईली क्यूटिलाइज स्ट्रक्चर है टेनिडियम. इसमें जो अपर मोस्ट लेयर जो है एपी क्यूटिकल है और इनर मोस्ट लेयर जो है वो काइटिनस क्यूटिकल है इसके अंदर और ये बाहर क्या है आउटर क्यूटिकल है, अंदर की तरफ क्या है काइटिनस क्यूटिकल है और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है टेनिडियम है और दिस वन इट इज द ल्यूमन ऑफ द ट्रेकी. और ट्रेकी जो यहाँ इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखें इसको हम तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, यानी मसल सेल है, मसल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एपिथेलियल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो है और एपिथेलियल मेम्ब्रेन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे दिस वन क्यूटिकल है. तो क्यूटिकल एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन एंड देन मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल. तो यानी यहाँ पर और ये क्या है ल्यूमन है. तो ल्यूमन और इंटीरियर यानी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इनके बीच में क्या क्या बैरियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटिकल ऑफ द ल्यूमन, ल्यूमन की क्यूटिकल है दिस वन क्यूटिकल, ल्यूमन क्यूटिकल. उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेक्यूल सेल्स, मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेक्यूल सेल्स और क्यूटिकल ट्रेक्यूल सेल के बीच में यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में ट्रेक्यूल साइटोप्लाज्मिक थिन लेयर है. उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स एंड देन इट इज द साइटोप्लाज्म. तो एक दो तीन थ्री यहाँ पर क्यूटिकल है और ट्रेक्यूल मेम्ब्रेन है और मसल सेल मेम्ब्रेन है, तो थ्री बैरियर है एक साइड में, इसी सेम बैरियर इस साइड में है. तो यहाँ यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन गैस इस ट्रेक्यूल्स के अंदर और ट्रेकिया ट्रेक्यूल में जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से हायर प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम होती माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हायर टू लो प्रेशर ये डिफ्यूज होती चली जाएगी. तो ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन है और इसका थोड़ा सा डिटेल और हम यहाँ पर लेंगे कि जब इग्डिसिस होता है और ओवरऑल क्यूटिकल्स जो है वर्न आउट होकर उसको लॉस हो जाती है तो इग्डिसिस के दौरान क्या होता है.
ये ट्रेकियल ल्यूमन है, ट्रेकियल ल्यूमन है ये, और इसके नीचे यहाँ पर ट्रेक्यूलर सेल है, ये सिंगल सी है ट्रेक्यूलर सेल, और उसके बाद ये अपर साइड में देख रहे हैं हम, ये ट्रेकियल एपिथेलियम है। ये ट्रेकियल एपिथेलियम इसके चारों तरफ है और कहीं कहीं पर हमें ये ट्रेक्यूलर सेल नजर आएगी, और ये जब एक्टिसिस होता है तो ट्रेक्यूलर सेल जो है इट एनलार्ज एंड मल्टी फर्केटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए गैप बिटवीन द क्यूटिकल, यानी ट्रेक्यूल्स की जो क्यूटिकल है और एपिथीलियल ट्रेकियल एपिथीलियल, इनके बीच में गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एक तरह से क्यूटिकल जो है वो वॉर्न आउट हो जाती है, अलग हो जाती है, और इस क्यूटिकल और एपिथीलियल सेल के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो एक नया स्पेस जो है क्रिएट होगा, दैट इज न्यू ट्रेक्यूल, और ये न्यू ट्रेक्यूल जो है एक्सटेंड हो जाता है थ्रू दिस ट्रेकुलर सेल इंट्रा सेलुलर, यहाँ से इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सटेंड अप टू द सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी, चाहे मसल सेल या ग्लैंडुलर सेल, कोई भी एनी बॉडी सेल है, वहां तक ये ब्रांच जो है एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इग्निसिस प्रोसेस के दौरान जो ट्रेकियल जो ओल्ड ट्रेकिया है वो सॉरी क्यूटिकल है वो लॉस हो जाती है और न्यू क्यूटिकल जो है यहाँ पर अराइज हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसी तरह से यहाँ इस सरफेस पर न्यू क्यूटिकल जो है इट इज फॉर्म, ये क्यूटिकल लास्ट तक बढ़ती चली जाएगी, ये क्यूटिकल, इस न्यू क्यूटिकल को हम इंटीमा बोलते हैं, ये ओल्ड इंटीमा है, दिस वन ओल्ड इंटीमा और ये न्यू इंटीमा है, और जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ये जो लाइन है ये इंटीमा है ये, ठीक है, और ये जो हाईली क्यूटिनाइज एरिया जो है दैट इज नोन एज टीनिडियम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि इसके अरेंजमेंट कैसे हैं, तो अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे ट्रेकियोल जो ट्रेकी हमें अपीयर होंगी, जिनको ट्रंक बोलते हैं, लेटरल ट्रंक पैर में है, एक लेटरल ट्रंक ये है, दूसरा लेटरल ट्रंक ये है, और ये लेटरल ट्रंक जो है स्पाइरिकल के साथ लिंक है, यहाँ स्पाइरिकल फर्स्ट स्पाइरिकल है, फर्स्ट प्रोथ्रेसिक में फर्स्ट स्पाइरिकल है, सेकंड मीजोथ्रेसिक में ये स्पाइरिकल है। तो यहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है प्रो एंड मीजोथ्रेसिक में, और उसके बाद ये मेटाथोरेसिक है, मेटाथोरेसिक में कोई स्पाइरिकल नहीं है, इसको हम डोर्सल साइड से एक एंगल पर देख रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइरिकल सेकेंड वन जो है वो मीजो में है, लेकिन ये मेटा में है लेकिन ये मीजो में है। उसके बाद हम ये देखेंगे टू लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक डोर्सल ये लेटरल साइड में है, और इसी तरह से वेंट्रल साइड में भी एक पैर में डोर्सल डोर्सल साइड में भी ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है, और डोर्सल साइड में भी डोर्सल वेंट्रल एंड लेटरल, तो लेटरल भी पैर में है, डोर्सल भी पैर में है और वेंट्रल भी पैर में है, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंजमेंट है वो देखते हैं, बाकी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप बीच में ये दोनों जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक जो है वेंट्रल साइड के, हम वेंट्रल साइड के लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक जो लेटरल वाले उनको देख रहे हैं, आपस में कमीशर ये जो है इसके साथ ये लिंक है, जो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स लिंकिंग है ये एंटीरियर मोस्ट पर, हम ये एक डोर्सल कमीशर हमें देखने को मिलेगा, एक डोर्सल कमीशर एट द एंटीरियर साइड, हमें डोर्सल कमीशर एंटीरियर साइड में देखने को मिलेगा, पोस्टर साइड में या फिर इन थ्रॉट द बॉडी ये हमें नहीं दिखाई देगा डोर्सल कमीशर, बाकी ये जो ट्रांसवर्स कमीशर जो है ये वेंट्रल साइड में लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स को आपस में लिंक कर रहे हैं। इसको हम टीएस अगर देखें तो टीएस में हमें इस तरह से नजर आएगा, ये देखिए डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, ठीक है, और ये पैर में लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, तो एक पैर डोर्सल में है, एक पैर वेंट्रल में है और एक पैर जो है लेटरल में है,
तो डोर्सल वॉल जो है, जो एंटीरियर मोस्ट साइड है वहां पर डोर्सल कमीशन के साथ आपस में लिंक है, लेकिन उसके बाद ही आपस में उस जो एक डोर्सल कमीशन जो होता है उस वो एक यू मान के चलेंगे अब्सेंट है, और इनकी जो जहाँ ये ब्रांच जो ट्रेक्यूल जो ब्रांच आउट हुई है दीज आर लिंक टू हार्ट, ठीक है। और वेंट्रल वाला जो कमीशन है ये आपस में एक दूसरे के साथ भी लिंक है, जिसको हम वेंट्रल कमीशन बोलेंगे, और ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है। और जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक जो है दिस लिंक्स टू ऑन अबोथ साइड डोर्सल साइड ऑन वेंट्रल साइड टुवर्ड द वेंट्रल कमीशन टू देयर रेस्पेक्टिव डोर्सो और वेंट्रो लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, डोर्सो और वेंट्रो लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक इनके साथ ही आपस में जुड़े हुए हैं। ये गट है, और यहाँ लेटरल स्पेरिक लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक से पैर में और लार्ज नंबर जो है दिस ट्रैकी एंड ट्रैक्यूल जो है अराइज एंड सराउंडिंग द गट वॉल और सप्लाइंग रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन टू ईच सेल्स ऑफ द ट्रंक और सॉरी गट डाइजेस्टिव ट्रैक। यहाँ पे सेंटर में नीचे हम देख रहे हैं नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड को भी जो रेस्पिरेटरी गैसेस जो सप्लाई हो रही हैं वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक के थ्रू होंगे। अब आपको यहाँ पे खास चीज देखने की मिलेगी कि यहाँ पर जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे डोर्सल साइड में हम ये ऑब्लिक सेप्टम देख रहे हैं, इसको हम डोर्सल डायफ्राम बोलेंगे, हम डोर्सल डायफ्राम, और ये इसके ऊपर हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि हिमोलिम्फ जो है हिमोलिम्फ वो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक जो पार्ट जो है वो डोर्सल साइड में है, ठीक है, और दूसरा है मिडल में है दिस वन, और थर्ड वन जो है सबसे लोअर मोस्ट है। ये लोअर मोस्ट जो है वेंट्रल डायफ्राम से सेपरेटेड है, और ये अपर जो टर्गम है ये, और ये लोअर स्टर्नम है, और इनके बीच में ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है इन दोनों को लिंक कर रही है। तो यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्पाइरिकल ओपनिंग है, ये स्पाइरिकल ओपनिंग है, इट ओपन आउटसाइड द बॉडी एट देयर लेयर। तो आज इसमें आपको मैंने ये बताया कि भाई जो रेस्पिरेटरी गैसेज जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन गैस जो है थ्रॉट बॉडी सिस्टम अब्जॉर्ब की जाती है, लेकिन इसकी जो जनरल बॉडी सरफेस है क्यूटिकल्स प्रेजेंट है जनरल बॉडी सरफेस पर वो हाईली ट्रांसपेरेंट है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होगी और ऑक्सीजन है ट्रेकल सिस्टम से अब्जॉर्ब होगी, साथ के साथ कुछ ऑक्सीजन जो है के साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज होती है। और यहाँ पे ये जो ओवरऑल बॉडी जो है ये बॉडी एब्डोमिनल मसल्स जो बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड रिजल्ट्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ प्रेशर एंड सच प्रेशर अकर ऑन स्मॉल बल्ज आउट एयर शेक। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ट्रेकी है, ये जो ट्रेकी जो है थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल का एंटीरियर मोस्ट रीजन वहां पर ये ट्रेकी जो है तो बल्ज आउट हो जाती है, एयर शेक बना देती है। तो एयर शेक का जो बॉडी वॉल के कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन से एयर शेक जो है वो उसमें जो एयर प्रेशर बनता है जिसकी वजह से एयर जो है वो इनहेल और एक्सहेल होती है, और ओवरऑल बॉडी का जो मूवमेंट है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड देन ट्रेक्यूल्स एंड CO2 गैस डिफ्यूज वाया देयर जनरल बॉडी सरफेस एरिया दैट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये था रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।